और अब बात एक और अहम मुद्दे की, सिक्किम में अचानक आई बाढ़ से हुई तबाही की, जो कई सवाल खड़े करती है और यह भी बताती है कि हम कहीं लापरवाह तो नहीं हो रहे हैं उच्च हिमालय में। 3 और 4 अक्टूबर की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ ने हजारों लोगों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। नतीजा तीस्ता नदी के दोनों ओर एक बड़े इलाके में भारी तबाही मची। कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। नदी के साथ बहकर आए गाद कई मकान कई गाड़ियों को दबा दिया। नदी किनारे के खेत मलबे में गायब से हो गए। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस बाढ़ की वजह से अलग अलग जगहों पर कुल 14 लोगों की मौत हुई है। 104 लोग लापता हैं, जिनमें 22 सेना के जवान शामिल हैं। 20,000 से ज़्यादा लोगों पर इस कुदरती आपदा का असर पड़ा है। 2,000 से ज़्यादा लोगों को इस हादसे के बाद से सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक 3,000 से ज़्यादा सैलानी अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं और कईयों को निकाला जा रहा है। इस बाढ़ की वजह रही करीब 5,200 मीटर की ऊंचाई पर बनी लोहनक झील, दक्षिणी लोहनक झील, ये दरअसल टूटी और जानकारों का अनुमान है कि मानसून अब जब लौट रहा है तो उस दौरान इस इलाके में काफ़ी भारी बारिश हो गई। इससे झील में पानी इतना बढ़ गया कि उसका मुहाना टूट गया और पानी बड़ी तेज़ी के साथ नीचे बहना शुरू हो गया। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उस इलाके की है जहाँ पर ये झील टूटी और उसके बाद किस तरह से ये नीचे तीस्ता नदी आई और तीस्ता हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है उनको नुकसान पहुँचाती गई। इस वजह से जो 2/3 झील अचानक खाली हुई, पानी में काफ़ी ज़्यादा ताकत थी और उसने आसपास के इलाकों में तबाही बरपानी शुरू की। निचले इलाकों में बाढ़ का असर कई बांधों पर पड़ा जो तीस्ता नदी पर बने हुए हैं और चुंगतांग बांध से इसकी वजह से पानी छोड़ना पड़ा और इसके कारण निचले इलाकों में हालात और ख़राब हो गए। तीस्ता घाटी में NHPC के 2 पावर प्लांट्स हैं जिन पर सीधा असर पड़ा। 510 मेगावाट के तीस्ता 5 पावर स्टेशन की सभी यूनिट्स को बंद कर दिया गया। 500 मेगावाट का तीस्ता 6 पावर स्टेशन जो है उसके कामकाज पर भी असर पड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा असर पड़ा स्थानीय लोगों पर, उन लोगों पर जो नदियों के किनारे बसे हुए थे, घर थे जिनके, कई घर मिट्टी में दब गए, गाड़ियाँ दब गईं, कई खेत दब गए और लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ, जान और माल दोनों का। पानी का इतना ये लेवल आप पहले कभी देखा है 71 के बाद इस लेवल तक पानी? पैदा होने से पहले आया था बोलता था, लेकिन पैदा होने के बाद कभी नहीं देखा, हम अपने आंखें से कभी नहीं देखा है। इतना पानी कहाँ तक पहुँचे थे कल? कल ये रोड क्रॉस करके वो घर के ऊपर छत दिखाई दे रहा था, कल छत ही दिखाई दे रहा था। सब उधर वो जो पानी का दाग है वहाँ तक पानी था। अच्छा, और ये आप बोल रहे थे ब्रिज के ऊपर के आसपास तक पर? वो ब्रिज के पिलर तो पूरा वो जो ब्रैक स्क्वायर है ना, हाँ। उसके थोड़ा नीचे वो दाग है, हाँ। वहाँ तक पहुँच गया था। अच्छा, अब सवाल ये है कि तीस्ता नदी में अचानक ये बाढ़ आई क्यों और कैसे? इसके लिए हमें सिक्किम हिमालय में करीब 5,200 मीटर की ऊंचाई पर बनी दक्षिणी लोहनक झील को देखना होगा, जिसका जिक्र हमने अभी किया कि वो किस तरह से टूटी। ये झील लोहनक ग्लेशियर के पिघलने और पीछे हटने से बनी है। इसरो के राइसेट 1A उपग्रह की इन तस्वीरों से हादसे की वजह साफ होती है। इसमें आप 17 सितंबर 2023 की उपग्रह से ली गई तस्वीर देखेंगे तो इसमें दिखता है कि ये जो झील है दक्षिण लोहनक झील करीब 162.7 हेक्टेयर इलाके में फैली हुई है। इसके 11 दिन बाद 28 सितंबर को जो अगली तस्वीर है उसमें झील में पानी बढ़ गया है और ये बढ़कर करीब 167.4 हेक्टेयर इलाके में फैल गई। आप देखेंगे जो लोहनक झील जहां लिखा हुआ है ब्लैक काला जो रंग है वो बड़ा हुआ है हल्का सा। और 3 और 4 अक्टूबर की आधी रात करीब 1:30 बजे अचानक ये झील फटती है। इस झील के निचले छोर पर पानी को जो मोरेन्स हैं उन्होंने रोका हुआ है, जिनको हम हिमोड़ बोलते हैं, इसे मोरेन डैम्ड लेक भी कह सकते हैं। मोरेन वो लूज चट्टाने और मलबा हैं जो ग्लेशियर्स के पीछे खिसकने पर छूटते जाते हैं, लूज होते हैं। और इस इलाके में भारी बारिश से रात को पानी इतनी तेज़ी से बढ़ा कि मोरेन से बनी ये झील की दीवार टूट गई। और तीसरी तस्वीर टूटने के बाद सुबह 6 बजे की है जो बता रही है कि जो झील 28 सितंबर को 167.4 हेक्टेयर इलाके में थी वो कुछ ही मिनटों में खाली होकर करीब 60.3 हेक्टेयर रह गई। ये पानी इतनी भयानक तेज़ी से नीचे के इलाके में गुजरा कि उसने काफ़ी तबाही बरपाई। तो ऐसी झील को पटना वैज्ञानिक भाषा में ग्लॉफ कहा जाता है, यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। भूविज्ञान से जुड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका जियोमॉर्फोलॉजी के 2021 के एक अध्ययन के मुताबिक दक्षिण लोहनक झील बीते कई दशक में तेज़ी से बड़ी हुई है और इसकी वजह है कि इसका स्रोत लोहनक ग्लेशियर तेज़ी से पिघलकर पीछे हट रहा है।
वैसे 10 साल पहले फरवरी 2013 में करंट साइंस में छपे एक शोध पेपर में इस हादसे की चेतावनी दे दी गई थी, और ऐसी हादसे की चेतावनी और भी कई जगहों पर दी जा चुकी है। वैज्ञानिकों के बाबू गोविंदराज, एसएन रम्या और के विनोद कुमार के इस रिसर्च पेपर में कहा गया था कि सिक्किम का लोहनक ग्लेशियर 1962 से 2008 के बीच 1.9 किलोमीटर छोटा हो चुका है। इस वजह से वहां दक्षिण लोहनक झील बड़ी हो रही है और उसके फटने का अंदेशा 42% है। ये भी कहा गया था कि इस खतरे को देखते हुए वहां अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना जरूरी हो गया है। 2013 में हमारा जो स्टडी साउथ लोहनक लेक में था, उसमें हमने जो बोला था कि हमने जो स्टडी किया था सैटेलाइट डेटा लेके, तभी हमने जो प्रेडिक्ट किया था कि जो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ब्रेकिंग दिस लेक हो सकता है कि 42% है। देन जो पानी है जो लेक आउटबर्स्ट हुआ, तो उसका पानी भी हम लोग प्रेडिक्ट किया था कि 19 मिलियन क्यूबिक मीटर तक, मीन्स अगर जो लेक आउटबर्स्ट हुआ तो उतना पानी होगा। तो उसी टाइम में भी हम लोग जैसे उसी में किया था कि ये लेक खतरे में है, तो हमने जो अर्ली वार्निंग सिस्टम भी उसी के साथ सजेस्ट किया था। तो अभी मैं बहुत दुखी हूँ कि हमारे सामने अभी हमको देखना पड़ रहा था कि वो लेक टूटे हुए और उसी में बहुत लोग मरते हुए और बहुत लोगों को अपनी घर सब पानी में बिगल गया है। तो ये सब देखे तो हमको बहुत मन को बुरा लग रहा है। हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के मुताबिक सिक्किम में 733 ग्लेशियल झील हैं इसी तरह की, जिनमें से 288 झीलें 5000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर हैं। और यही चिंता की बात है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण जो है ये झीलें अब तेज़ी से पिघल रही हैं, और इनका तेज़ी से पिघलना जो है और पानी का बढ़ना सिर्फ सिक्किम ही नहीं पूरे उच्च हिमालय में चिंता का विषय है। और उच्च हिमालय में ग्लेशियरों के मुहाने पर जो ये झीलें बन चुकी हैं, कभी किसी अतिवृष्टि या किसी और वजह से टूटकर तबाही बरपा सकती है। आपको 7 फरवरी 2021 की भयानक तस्वीरें याद होंगी, जब उत्तराखंड के चमोली ज़िले में ऋषिगंगा नदी में अचानक आई बाढ़ ने कहर बरपा दिया था। इस हादसे में करीब 200 लोग लापता हुए थे, जिनमें से 80 के ही शव मिल पाए। ऋषिगंगा नदी ने तब देखते ही देखते रैणी और तपोवन विष्णुगाट प्रोजेक्ट्स को बर्बाद कर दिया था। उस समय बारिश नहीं हुई थी, बल्कि करीब 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पर्वत है रोंटी पीक, वहां से एक हैंगिंग रॉक यानी एक बहुत बड़ी चट्टान का टुकड़ा टूट कर गिरा था। ये चट्टान का टुकड़ा आप अंदाजा लगाइए 540 मीटर चौड़ा था, 720 मीटर लंबा था, इतना एक पूरा पहाड़ था ये चट्टान का, ग्रेनाइट का। और ये करीब 2 किलोमीटर नीचे गिरा था सीधे घाटी में, और उससे इतनी भयानक ऊर्जा निकली थी कि नीचे रोंटी गाड़ के पानी को उसने उछाल दिया, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा ये पानी और उसने रास्ते में सब कुछ रौंद दिया। आगे बढ़ता गया और आगे ऋषिगंगा से मिलने वाले इस पानी ने रैणी, तपोवन और कर्णप्रयाग में काफ़ी तबाही मचाई। तो ये बताता है कि किस तरह से बहुत ऊपर के जो इलाके हैं हिमालय के 5000 मीटर या उससे ऊपर के इलाके, वहाँ ऐसी स्थितियाँ कभी भी आ सकती हैं, कभी अतिवृष्टि से या कभी इस तरह के हादसों से। चमोली ज़िले की हम बात करें जहाँ ये हादसा हुआ था, वहाँ के उच्च हिमालयी इलाके में करीब 1300 झीलें हैं जो ग्लेशियर्स के पिघलने से बनी हुई हैं। अल्मोड़ा स्थित जीबी पंत हिमालयन शोध संस्थान के वैज्ञानिकों के शोध में ये सामने आया है कि चमोली ज़िले में 41% झीलें 5 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर है, और इनमें से अधिकतर झीलें धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। इनमें से कई झीलें कभी भी किसी अतिवृष्टि की स्थिति में किसी बड़ी तबाही को ला सकती है। तो ये नौटियाल एटाल करके पेपर है जो जीबी पंत संस्थान का है। तो साफ है कि उच्च हिमालय काफ़ी संवेदनशील है, क्लाइमेट चेंज का असर उसके ग्लेशियरों के पिघलने के तौर पर साफ दिख रहा है, और इस वजह से नीचे झीलें बड़ी हो रही हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के मुताबिक भारत में करीब 30 लाख लोग हिमालय में ऐसी जगहों पर रहते हैं जो सीधे सीधे किसी ग्लेशियर की झील के टूटने से प्रभावित हो सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर हमने बात की जाने माने ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉक्टर डीपी डोभाल से। वाटर इंस्टीट्यूट ने जो है उत्तराखंड में किया था, तो उन्होंने लगभग जो है करीब जो है 800 ग्लेशियर लेक का आइडेंटिफाई किए थे। हिमाचल में किया था, तो वहां भी लगभग 900 कुछ लेक्स हैं। सिक्किम में बात करते हैं, सिक्किम में लगभग जो है 270 के लगभग जो है लेक इन्वेंट्री बनाई गई है। और इन एक्चुअली क्या है कि लेक जो है विभिन्न प्रकार की होती है। कुछ लेक्स जो है मैक्सिमम जो लेक का कंसंट्रेशन है वो है सुपर ग्लेशियर लेक, जो ग्लेशियर के बॉडी के ऊपर बनते हैं, ग्लेशियर के सरफेस में बनते हैं। तो दे आर वेरी टेम्परेरी लेक, कभी बनते हैं कभी निकल जाते हैं।
और उनकी संख्या जो है, उनके नंबर भी हमेशा साथ चेंज होते रहते हैं। और वो डिपेंड करते हैं कि प्रीवियस विंटर कितना स्नोफॉल हुआ या कितनी बारिश हुई, उस पर डिपेंड करते हैं वो। लेकिन जो असली लेक बनते हैं, जिनको हम मोरेन डैम लेक बोलते हैं या आइस डैम लेक बोलते हैं, उनकी संख्या जो है सिक्किम में लगभग जो है 260 के लगभग है, उत्तराखंड में लगभग जो है 270-280 के लगभग है, और ऐसे हिमाचल में भी 200 समथिंग है लेक है। पर लेक का बनना और उनका डेंजर होना दूसरी चीज है। मोस्टली जो लेक जो है, जो डेंजर लेक होते हैं, उनको हम बोलते हैं मोरेन डैम लेक, जिनकी संख्या जो ही बनते हैं। कुछ लेक जो है, जैसे ग्लेशियर इनका फॉर्मेशन इसलिए होता है, जैसे एक तो इनका मेन वाटर का सोर्स है आपका जो है स्नो आइस मेल्ट और रेन, और जैसे ही ग्लेशियर रिट्रीट करते हैं तो जो जो पोर्शन छोड़ जाता है, तो लॉट ऑफ डेबरी एक्यूमुलेटेड देयर ओनली, और वो जो डेबरी एक्यूमुलेट होती है वो उसको ब्लॉकेज करके लीक बनना शुरू कर देती है। जो भी इसमें आइस मेल्ट वाटर आता है वो उसमें जमा होता रहता है। लेकिन कभी कभी ये लेकें जो है छोटी होती है, कभी कभी बड़ी हो जाती है। तो ऐसे अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ, तो उत्तराखंड में जो है 8-10 लेकें ऐसी हैं जो ग्रो कर रही हैं। उसी प्रकार जो है हिमाचल में भी है, उसी प्रकार जो है सिक्किम में भी लगभग जो है 14 लेक ऐसी हैं जो बहुत ही डेंजर लेक्स हैं, जो बहुत ग्रो कर रही है। उनमें से एक जो है लोनांग लेक भी है। साउथ लोनांग, नॉर्थ लोनांग दो लेक्स हैं जो बहुत फास्ट फास्ट ग्रो कर रही है। और इसका ग्रो करना जो है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि इनका जो बेसमेंट होता है या जो इनका एनवायरनमेंट होता है वो बहुत लूज अनकंसोलिडेटेड मेटेरियल होता है, लूज मेटेरियल होता है मोरेन का, जिससे जो है वो एकदम से ज्यादा पानी बढ़ने से, उनके ग्रो होने से कभी कभी अपने ही प्रेशर से वो टूट भी जाती है। लेकिन मेनली जो उनका कारण, टूटने का कारण जो होता है, वो तो आइदर इट इज रॉकफॉल, एवलांचेज, डेबरी फ्लो, या आपका जो है कई लेकों में जो है आपका जो है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है, आउटलेट नहीं होता है, पानी उसमें कटा हो जाता है, तो ओवरफ्लो भी होना शुरू कर देता है, जिससे इरोजन होता है और वो लेक टूट जाती है।